हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं और पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आज रात आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थाट्स आपके लिए क्या हैं। आज रात आपका पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, कैसा फील कर रहा है, किस तरह के विचार इस पर्सन के मन में आ रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ है इस पर्सन के मन में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। ओके व्यूअर्स, तो रीडिंग पूरी तरह से जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी जोडियक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं और इस रीडिंग को आप किसी के बारे में भी सोचते हुए देख सकते हैं। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जोडियक साइन नज़र आ रहे हैं वो हैं एरीज, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। ओके व्यूअर्स, तो ये आपके साइन या फिर आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। ओके भाई लवली व्यूअर्स, तो अब बात करेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स की, आपके लिए ये पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि अब धीरे धीरे ना आप काफ़ी मैच्योर होते जा रहे हैं, आप काफ़ी चीज़ों को लेकर अवेयर होते जा रहे हैं और इस रिश्ते में अब आप उतने ही एफर्ट्स डालते हैं जितने कि अदर पर्सन, यानी कि आपका पर्सन जितने एफर्ट्स इस रिश्ते में डाल रहा है आप भी उतने ही एफर्ट्स इस रिश्ते में डालने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा नहीं डालना चाहते क्योंकि अब आप मिसयूज़ नहीं होने देना चाहते अपना। आप जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, जो भी आप में पोटेंशियल है, आप इस रिश्ते के लिए कर सकते हैं, पर आप सिर्फ सामने वाले को देख कर ही उतना कर रहे हैं जितना सामने वाला इस रिश्ते को दे रहा है। तो आपका पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि आपका पर्सन जितना इस रिश्ते को दे रहा है ना, वक्त की बात करें, प्यार की बात करें, जो भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं इस रिश्ते में, आप दोनों ना म्यूचुअली एक सा ही स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे इमोशंस की बात हो, फीलिंग्स की बात हो, टाइम की बात हो, तो आप अपने पर्सन पर नज़र बनाए हुए हैं कि जितना ये पर्सन करेगा इस रिश्ते के लिए उतना ही आप करेंगे। तो आप अपना मिसयूज़ होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए आप ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं और ये पर्सन इस बात को समझ भी रहा है और आप ना बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर आपकी निगाहें इस पर्सन पर टिकी हुई हैं। ये पर्सन इस बात को जानता है और ये टाइम ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सोचते रहो और ये तो वक्त है ना किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने का। अगर आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस पर्सन के अलावा भी कोई अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने लिए, आपको लगता है कि राइट चॉइस है, तो आप उसके ऊपर भी ना फोकस बनाए हुए हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इस पर्सन से प्यार तो करते हो, पर हाँ कहीं ना कहीं आपकी निगाहें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी पर टिकी हुई हैं, एक ऐसे इंसान पर टिकी हुई हैं जो आपको बहुत कुछ दे सकता है। इस पर्सन के साथ आपका जो भी रिश्ता है ना, आप इसको बहुत खूबसूरती के साथ निभा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपके बारे में ऐसा फील करता है कि अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं होंगे तो आपको कोई और बहुत बेहतर इंसान मिल सकता है। तो इस वक्त ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हैं और यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए बहुत प्यार फील करते हैं। इस पर्सन को शायद ये डर इस वजह से भी है या फिर ये पर्सन ऐसा इसलिए भी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको चीट कर रहे हो, पर यहाँ पर प्यार इस पर्सन के मन में है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और यहाँ पर एक पॉजिटिव कार्ड है 2 ऑफ कप्स, तो ये कार्ड भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ये आप दोनों के रिश्ते में अवेयरनेस लेकर आएगी, हारमोनी लेकर आएगी और जो आप दोनों का ये रिश्ता है और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। इन फ्यूचर ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी सीरियस हो सकता है और यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि अभी इस पर्सन की अगर सोच आपको लेकर ना थोड़ी सी दुविधा वाली है, दुविधा में है ये पर्सन, तो इन फ्यूचर ये पर्सन इस दुविधा से बाहर आएंगे और इस वक्त ये पर्सन जो सोच रहे हैं आपके लिए ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज्ड माइंड है इस पर्सन का, क्योंकि ये पर्सन ना फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि ये पर्सन आपके साथ में इस रिश्ते को जो निभा रहे हैं क्या सच में इस पर्सन को आपसे प्यार है। प्यार तो ये पर्सन करता है, पर कहीं ना कहीं इस पर्सन का माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस पर्सन का माइंड जो है ना रुपये पैसे की तरफ डाइवर्ट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो निगाहें हैं ना
एक ऐसे व्यक्ति पर भी टिकी हुई नज़र आ रही हैं जिसके पास बहुत धन दौलत है, पैसा है, तो ये पर्सन जिन चीज़ों को होल्ड करके रखा हुआ है ना, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, और जो कुछ भी ये पर्सन पाना चाह रहा है उसकी वजह से होल्ड करके रखा हुआ है। इस पर्सन का जो कंट्रोलिंग नेचर है और ये पर्सन जिस तरह से चीज़ों को ना मैनेज करता है और जिस तरह से ये पर्सन ना अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है और जो भी इस पर्सन ने ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हुए हैं इस रिश्ते में है ना, जिस तरह का लालच इस पर्सन में दिखाई दे रहा है, वही इस पर्सन को इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने नहीं दे रहा। इस रिश्ते में रहकर ये पर्सन उतने एफर्ट इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि ये पर्सन थोड़ा सा लालची किस्म का इंसान है। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को रुपये पैसे की नीड हो इसलिए ये पर्सन ऐसा कर रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। क्योंकि यहाँ हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड है ना वो फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स हैं, और आप देख भी सकते हैं इन कार्ड्स में कि एक पर्सन है जो बहुत कुछ अपने जीवन में पाना चाहता है। ये पर्सन अपने करियर को अभी अभी स्टार्ट किए हैं या फिर ये पर्सन अपने करियर की एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है जहां पर इस पर्सन को कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़े। तो यहां पर ये अपॉर्चुनिटी इस पर्सन को मिल भी रही है किसी अदर पर्सन के रूप में, कुछ ना कुछ तो इस पर्सन को ऐसा मिलने वाला है या मिल रहा है जो इस पर्सन को आपके रिश्ते पर से ना ध्यान हटाकर उस तरफ ले गया है। तो यहाँ पर ये पर्सन अपने जीवन की जो एक नई शुरुआत करने का सोच रहा है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो चीज़ें इस पर्सन को चाहिए ये राइट टाइम है उन चीज़ों को पाने का, इसलिए भी ये पर्सन हर उस जोखिम को लेने के लिए तैयार है जो इस पर्सन के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस पर्सन को अपना जो क्रिएटिव माइंड है ना ऐसी चीज़ों पर लगाना है जो इस पर्सन के विजन है और जो इस पर्सन का लाइफ पर्पस है उसे ये पर्सन पूरा कर सके। तो इस वक्त ये पर्सन आपसे प्यार होने के बावजूद भी ना कहीं किसी और चीज़ पर निगाहें जमाए हुए है, तो अपने गोल को पूरा करने में लगा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करता, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। आप इस पर्सन की विश हैं और आपके लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है ये पर्सन। इस पर्सन को ऐसा महसूस होने वाला है आज रात कि आप एक ऐसे स्टार हैं जो अपने जीवन में सारी चीज़ों को पाने के लिए ना एक ऐसी किस्मत लिखवा कर लाए हैं जो आपके लिए ना दूसरा इंसान करके देगा। यानी कि ये इंसान आपको हर वो चीज़ देगा जो आपको खुशी हैप्पीनेस दे सके। अगर आपको प्यार चाहिए तो प्यार मिलेगा, रुपया पैसा चाहिए तो रुपया पैसा मिलेगा। ये पर्सन आपको हर वो चीज़ देने की कोशिश करेगा जो ये पर्सन आपके लिए कर सकता है। आपको हर खुशी देने की ये पर्सन कोशिश करेगा। इन फ्यूचर इस पर्सन के साथ में आपका जो रिश्ता रहने वाला है ना बहुत खूबसूरत रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो पर्सन कर रहा है ना सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान में रखकर कर रहा है। इस पर्सन की आप इंस्पिरेशन है, इस पर्सन को आपसे बहुत हिम्मत मिलती है और आपके साथ होने से ये पर्सन खुद को मोटिवेटेड फील करते हैं। इस पर्सन की हिम्मत है आप, तो ये पर्सन आपके बारे में बिना सोचे तो रह ही नहीं सकते। आपको हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी ये पर्सन फील करता है, महसूस करता है अपने ही आसपास। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स एंड द स्टार के कार्ड्स बात की तरफ इशारा भी करें कि आप इस पर्सन के लिए किसी प्रिंस या प्रिंसेस से कम नहीं हैं। आप वो विश हैं जो ये पर्सन हर हाल में पूरी करना चाहेगा, और इस वक्त भी ये पर्सन इसी तरह सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आधी रात का वक्त है और ये पर्सन आप ही के बारे में सोच रहा है। ओके बस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।